मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एथिक्स एंड सेफ्टी जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स की वायलेशन की जाती है तो वहाँ पर इस किस्म के इशूज पैदा हो जाते हैं एथिक्स क्या है राइट और रॉन्ग के दरम्यान जो फ़र्क है वो एथिक्स है वट यू हैव टू डू वट यू हैव नॉट टू डू इसमें जो डिफ्रेंस है वो एथिक्स है समटाइम इट इज कॉमनली सेड एथिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन रूल्स एंड रेगुलेशन

मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेसिव एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेसिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूडे इस वक्त जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एथिकल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाई का जो बिहेवियर है जो एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड है जिसको हम बिहेवियर कहते हैं उसकी प्रैक्टिस तो की जाती है लेकिन वो एथिकल नहीं होता अनएथिकल होता है कोई भी काम अगर आप अनएथिकल बिहेवियर से करेंगे तो उसके आउटकम ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में होने के लिए लाजम है कि आपके एथिकल बिहेवियर हो और एथिकल बिहेवियर के आउटकम फिर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं एथिक्स डिफाइन एज एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मोरालिटी विद इन आर कंटेक्स एस्टेब्लिश्ड बाई कल्चरल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स आर्गेनाइजेशन के अंदर वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से मैच करता है किसी भी आर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल ले लें आर्मी की ले लें एयरफोर्स की ले लें नेवी की ले लें अगर आपका बिहेवियर आर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मैच करेगा तो आप वहाँ रहेंगे अगर आपका बिहेवियर आर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मैच नहीं करेगा तो आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा ये एक कंट्री की एग्जाम्पल नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस प्रैक्टिस विल परवेल तो इसका मतलब ये हुआ एथिक्स का जानना एथिक्स की प्रैक्टिस करना उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से अलाइंट होना ये सब चीज़ें एथिक्स का हिस्सा होती हैं